आज बात करूंगा डॉक्टर कन्वर्जन के ऊपर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल में संदीप कुमार सोनी, आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज बात करूंगा डॉक्टर कन्वर्जन के ऊपर, डॉक्टर को कन्विंस कैसे किया जाए अपने ब्रांड के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और सभी लोगों को रिक्वायरमेंट होती है जब फार्मा एज ए न्यू, चाहे आप ज्वाइन करें चाहे वर्किंग, आपको काफी एक्सपीरियंस हो गया है एज ए मेडिकल रैप काम करते हुए, किसी भी डॉक्टर को कन्विंस कैसे किया था। आज बहुत ही ज्यादा टफ कॉम्पिटिटिव मार्केट है, बहुत सारी स्टेब्लिश कंपनी भी मार्केट के अंदर है, स्टार्टअप कंपनी भी है, स्कीम डील डिस्काउंट इन्वेस्टमेंट हर टाइप के फंडे मार्केट के अंदर यूज किए जा रहे हैं और आपने बहुत सारे फंडे यूज भी किए होंगे बट उनसे कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा होगा, राइट। तो यहाँ पे जो चीजें मैं बता रहा हूँ इसको आप ट्राई करिए, इससे डेफिनेट सी बात है आपको रिजल्ट मिलेगा, 100% रिजल्ट मिलेगा, बट आपको थोड़ा प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर आप किसी कंपनी में MR है या आपको या फिर स्टार्टअप कंपनी, सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि जो ब्रांड प्रमोट करने जा रहे हैं किसी भी डॉक्टर को, वो जो ब्रांड है वो कौन सी कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। ब्रांड बेसिकली दो टाइप के होते हैं फ्रेंड, एक होता है जनरल कैटेगरी का ब्रांड, दूसरा होता है कॉन्सेप्ट सेलिंग ब्रांड, ठीक है। तो आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा जनरल कैटेगरी कौन सा ब्रांड होता है। जनरल कैटेगरी के ब्रांड वो होता है जिसके पास सिमिलर साल्ट के बहुत सारे ब्रांड मार्केट के अंदर अवेलेबल होते हैं, पैरासीटामोल है, सिक्लोफिनेक, डिक्लोफिनेक, इसके अलावा जो है टिप्सिन ब्रोमिल रूटोसाइट हो गए, एंटीबायोटिक्स हो गए, एंड दीज आर द जनरल कैटेगरी ब्रांड। ये बहुत पुराने ब्रांड हो चुके हैं, बहुत पुराने साल्ट हो चुके होते हैं, लगभग सबका आता है, जेनरिक में भी आता है, बड़ी कंपनी का भी आता है, छोटी का स्टार्टअप का सबका आता है, दीज आर द जनरल मॉलिक्यूल, एक कैटेगरी हो। दूसरा कैटेगरी कॉन्सेप्ट सेलिंग मॉलिक्यूल, कॉन्सेप्ट सेलिंग मॉलिक्यूल कौन से होते हैं, बेसिकली न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट होते हैं जिसमें काम प्रोडक्ट का एक ही होता है, जैसे मैं लो स्पर्म काउंट का प्रोडक्ट बेचने जा रहा हूँ तो मेरी भी दवाई वही है, लो स्पर्म काउंट को ठीक करेगा, दो बाजू वाले कंपनी उसका भी, उसके बाजू वाला उसका भी, मतलब सबका टारगेट ऑडियंस एक ही होता है। टारगेट ऑडियंस इन द सेंस, जो टारगेट डिजीज है वो लो स्पर्म काउंट है, बट सबका कंपोजिशन अलग अलग है, दैट इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट सेलिंग ब्रांड, क्योंकि फिर हम वहां पे कॉन्सेप्ट को सेल करेंगे, वहां ब्रांड को सेल नहीं करेंगे, ब्रांड सेल जनरल प्रोडक्ट में होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अभी जनरल प्रोडक्ट की बात करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा लोगों के पास में जनरल प्रोडक्ट होगा। जनरल प्रोडक्ट सेल करने के लिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं 4-5 पॉइंट फ्रेंड यहाँ पे बताऊंगा जिसको आप अगर फॉलो करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। जनरल प्रोडक्ट में कभी भी आपकी डिटेलिंग बहुत ज्यादा आपको हेल्प नहीं करेगी जो है ब्रांड के सेल को डेवलप करने में, क्यों, क्योंकि जो चीज आप बताने जा रहे हो ब्रांड के बारे में, भी आप सिपिकजिंग बारे में क्या बताओगे, डॉक्टर के बारे में कुछ भी बताओगे वो सुनेगा ही नहीं, क्योंकि उसके लिए बहुत ही फैमिलियर मॉलिक्यूल है, सालों से 10 साल 15 साल 20 साल से जब तक प्रैक्टिस कर रहा है तब से सिपिकजिम यूज कर रहा है, सेफोडॉक्सिम यूज कर रहा है, उसको उसके लिए ABCD जैसे है, वहां पे नहीं सुनेगा। अगर कोई सिपिकजिम के अंदर कोई डॉक्टर कुछ सुनेगा तो वो डिफरेंट डिफरेंट केस स्टडीज सुन सकता है, जो कंपनीज आपको बहुत सारे ना केस स्टडीज देती है, इस इंडिकेशन में भी सिपिकजिम को यूज किया जाता है, इस टाइप का केस हुआ था, उस अपोलो हॉस्पिटल के अंदर ट्रायल किया गया था, इस टाइप की केस स्टडीज अगर देती है और उसको बहुत अच्छे तरीके से अगर एक्सप्लेन आप कर देते हो दिन डॉक्टर वो सुन सकता है, ठीक है, अदरवाइज डॉक्टर डिटेलिंग नहीं सुनेगा। अब डॉक्टर को, किसी भी डॉक्टर को कन्विंस करने के लिए, चाहे आप जनरल प्रोडक्ट है या कॉन्सेप्ट सेलिंग है, उसमें कुछ कॉमन चीजें हैं जो आपको दोनों में ही फॉलो करना पड़ेगा, वो मैं पहले बता देता हूँ। जिसमें से चीजें, जो कॉमन चीजें हैं, वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का कोई तोड़ नहीं है, रेगुलरिटी का कोई तोड़ नहीं है, डॉक्टर कॉल एवरेज का कोई तोड़ नहीं है, ये फार्मा की बहुत ही बेसिक चीज है। अगर फार्मा के अंदर आपको कुछ भी नहीं आता है बट आप रेगुलर किसी की कॉल करते हैं, अच्छे से बातचीत करते हैं, आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है, आपको कुछ भी नहीं आता तो भी बिजनेस 100% आएगा ही आएगा, ये फार्मा का बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये मैं मान के चल रहा हूं आप सारी चीजें ये कर रहे हैं, ये बिल्कुल बेसिक है फ्रेंड, इसके बिना रिजल्ट आ ही नहीं सकता। इसके बाद आपको सबसे नंबर वन पे आता है जनरल प्रोडक्ट के लिए, वो है गुड रिलेशनशिप। किसी भी डॉक्टर से एक अच्छा रिलेशनशिप, अगर आप जनरल प्रोडक्ट लिखवाना चाहते हैं तो आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा डॉक्टर के साथ होना चाहिए, तभी आप उस बिजनेस को क्रिएट कर पाएंगे। अभी अच्छा रिलेशनशिप बनेगा कैसे डॉक्टर के साथ में, अच्छा रिलेशनशिप बनाने के लिए जो चीजें मैंने अभी बताई, कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी, ये सारी चीज तो होनी चाहिए। इसके अलावा आप कैजुअल कॉल्स कर सकते हैं, इसके अलावा डॉक्टर्स की नीड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डॉक्टर की पसंद नापसंद को आप जान सकते हैं, जैसे किसी ग्रीन कलर के पिन पसंद है, किसी बच्चे का बर्थडे हो गया, बर्थडे सेलिब्रेशन, ये सारी चीजें हो सकती है, ठीक है। 4-5 पॉइंट इसके अंदर बता देता हूं। पहले मैं रिलेशन बनाने के लिए, आप अपने तरीके से भी सोच सकते हैं क्रिएटिविटी, कोई कोई लोग ड्रिंक बैठते हैं, शाम को ड्रिंक करने बैठ गया, डिनर करा दिया, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, राइट। दूसरा जो इसके अंदर है रिलेशन बिल्डअप करने के लिए प्लस बिजनेस निकालने के लिए, वो है कैजुअल कॉल, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कैजुअल कॉल, जो है बहुत सारे लोग नहीं करते। आज जो फार्मा वर्क चल रहा है बड़ी कंपनी के लोग करते हैं, तो कैजुअल वर्क आप कर सकते हो। कैजुअल वर्क क्या होता है, ऐसे टाइम पे मिलना डॉक्टर को, डॉक्टर वालों संडे संडे कहीं कैंप करने जाता है या संडे को स्पेशल जगह मिलने जाता है, चले गए साथ में गाड़ी में,
शाम को फ्री होता है तब मिल गए, कोई मेडिकल कॉलेज या हॉस्टल में जाके मिल लिए, तो बस दैट इज कॉल्ड द कैजुअल, जो मेन टाइम है उसके अलावा किसी और टाइम पे मिलना है। इसके अलावा डिस्काउंट गेम, अगर आपकी कंपनी में डिस्काउंट गेम आ जाए तभी इस गेम को प्ले कर पाएंगे, राइट। मतलब आपकी कंपनी डिस्काउंट वगैरह डी स्कीम वगैरह देती है, देन आपने रिलेशन बना लिया, कैजुअल कॉल लिया, स्कीम डाल देंगे, प्रोडक्ट बिक जाएगा 100%। स्कीम इसलिए मैंने नंबर वन पोजीशन पर रखा है, सॉरी रिलेशनशिप, राइट, फिर आपका डिस्काउंट हो जाता है। इसके अलावा कैंपेन भी, जो अट्रैक्टिव कैंपेन होते हैं वो बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं बिजनेस जनरेट करने में। कैंपेन बेसिकली क्यों किए जाते हैं? कैंपेन बेसिकली डॉक्टर को इंडोर करने के लिए, मेडिकल स्टोर को इंडोर करने के लिए, और अपना ब्रांड बार बार रिमाइंड कराने के लिए किए जाते हैं। कैंपेन बहुत सारे हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैंपेन हो सकते हैं, जैसे कि ओपीडी कैंप आपका हो गया, पीवी ड्राइव हो गया, कोई एक्टिविटी इन्वॉल्व करनी हो गई, डॉक्टर की वॉल पेंट कराने वाला हो गया, कुछ अच्छा सा गिफ्ट आपने दे दिया, डॉक्टर से बोले इतना प्रिस्क्रिप्शन दे देंगे ये हो जाएगा, उतना बॉक्स लेके देंगे ये हो जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैंपेन्स हो जाते हैं, राइट, आप कैंपेन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है पीओबी, पर्सनल ऑर्डर बुकिंग। ये पर्सनल ऑर्डर बुकिंग क्या कैसे होता है? पर्सनल ऑर्डर बुकिंग दो चीज पे होता है, एक तो रिलेशन के बेस पे हो जाता है, और दूसरा जो डॉक्टर का अटेंडेंट, ये डिस्पेंसर डॉक्टर की स्पेशली मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, जब प्रोडक्ट खत्म होने वाला है तभी पहुंच जाओ आप। देखो आप भी बराबर काम कर रहे हो, अच्छी रिलेशन है, दूसरे का भी, तीसरे भी, चौथा भी, डॉक्टर किसको ऑर्डर देगा? डॉक्टर उसको ऑर्डर देने के चांसेस या प्रोबेबिलिटी ज्यादा है जो उस टाइम पे पहुंचा जब डॉक्टर के पास प्रोडक्ट खत्म था, मतलब एक ही डब्बा बचा हुआ तभी आपने गए और आपने थोड़ा सा फोर्स कर दिया डॉक्टर को, क्योंकि स्कीम आप भी दे रहे थे, बाजू वाला भी दे रहा था, वो भी दे रहा था, तो डॉक्टर को सभी पसंद थे, तो जो उस टाइम में मौके पर पहुंच गया तो वो जो है विन कर ले जाएगा। लेकिन यहाँ पे काम आएगा डॉक्टर का अटेंडेंट या मेडिकल स्टोर वाला जो स्टॉक को देखता है, आपके प्रोडक्ट उसको याद होने चाहिए, जैसे खत्म होने वाला बोल देगा भैया खत्म होने वाला प्रोडक्ट आ जाओ, आ गया डॉक्टर साहब के पास, थोड़ा सा फोर्स किया, थोड़ा सा बातों में घुमाया, डॉक्टर साहब से आपने ऑर्डर ले लिया, डॉक्टर से आपने बात बन जाएगी। या फिर आप कोई क्लिनिक एक्टिविटी वगैरह जैसे कर सकते हैं, मतलब ऐसी एक्टिविटी जो डॉक्टर के साथ जो टीम है, स्टाफ है, उसको भी इंगेज कर ले जाए, इसको इन क्लिनिक एक्टिविटी बोलते हैं। 500-1000 रुपए का बजट लेके हम डॉक्टर चैम्बर के अंदर कर देते हैं, सभी को खाना पिलाना कुछ कर देते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, मतलब मौसम के हिसाब से सारी चीजें कर लेते हैं। इससे डॉक्टर भी खुश हो जाता है, डॉक्टर का स्टाफ भी खुश हो जाता है। अब ये एक्टिविटी अगर हर महीने करने लग जाए तो यार एक महीने ऑर्डर नहीं देगा, दो महीने ऑर्डर नहीं देगा, तीन महीने के बाद तो सरमोसरमी ही ऑर्डर मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इन क्लिनिक जो इंगेजमेंट एक्टिविटी होता है, इन क्लिनिक में 1000-2000 का बजट लेके चलते, खिलाना पिलाना तो का खाने पीने पे आदमी खुश हो जाता है, ठीक है। तो आप इस वाले के साथ जा सकते हैं। इसके अलावा केमिस्ट लेबल की एक्टिविटी आप चाहो तो और दान कर सकते हो, भाई 10,000 का सामान ले लोगे तो आपको ये बोर्ड नया लगा देंगे, पाउच दे देंगे, बहुत सारी क्लिनिक लेबल की एक्टिविटीज होती हैं, या पीयूबी ड्राइव आप केमिस्ट लेबल पे चला सकते हैं। तो बेसिकली ये कुछ 5-7 चीजें हैं जो आप ट्राई मार सकते हैं जब आप जनरल प्रोडक्ट सेल कर रहे होंगे, और ये चीजें मैंने बताया काफी इफेक्टिव होती हैं, बट आप सही तरीके से इसको डियर करेंगे तो आप बोलोगे सर ये सब कुछ काम ही नहीं करता। काम देखो तभी करती है चीजें जब आप बहुत इफेक्टिव से, दिल से काम करते हैं और खुद के अंदर एक विश्वास लेके चलते हैं, हाँ भाई ये चीज होगी करूंगा, राइट, तभी होती है, अदरवाइज नहीं होती चीजें। तो ये 5-7 चीजें ट्राई कर सकते हैं आप जनरल सेगमेंट के अंदर। अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट सेलिंग। ये सभी लोगों के पास ब्रांड नहीं होगा, लेकिन जिनके पास भी है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ लें कि कॉन्सेप्ट सेलिंग या आयुर्वेदिक प्रोडक्ट ये बहुत सारे लोग नहीं बेच पाते हैं। उसका बहुत बड़ा रीजन ये है क्योंकि आप कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से खुद ही नहीं समझते तो डॉक्टर को कहां से समझा पाएंगे। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट मॉलिक्यूल सेल करने का पहला रूल है, आपको अपने प्रोडक्ट के अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। जैसे मान लो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट आप सेल करने जा रहे हो, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के अंदर 10 इंग्रेडिएंट पड़े हैं, तो 10 इंग्रेडिएंट में से वो सारे इंग्रेडिएंट कैसे कैसे काम कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल हम ले लेते हैं, मान लो कि एसिडिटी के लिए आप एक एंटासिड आयुर्वेदिक सेल करने जा रहे हो, या डाइजेस्टिव एंजाइम आप सेल करने जा रहे हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम में सिरप प्रिपरेशन कोई है आयुर्वेद का जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है, आप उसको सेल करने जा रहे हैं। तो अभी इनडाइजेशन की प्रॉब्लम डिफरेंट डिफरेंट लेवल से हो सकती है। इनडाइजेशन की प्रॉब्लम स्ट्रेस एंजाइटी की वजह से भी हो सकती है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम गलत खाने पीने की वजह से भी हो सकता है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम ड्रग इंड्यूस्ड भी हो सकती है। तो तीन टाइप, बहुत सारे टाइप हो सकते हैं, तीन टाइप में एग्जांपल ले लिया। तो अब आपका जो मेडिसिन है ना वो इन तीनों प्रॉब्लम को टैकल कैसे कर रहा है? कुछ इंग्रेडिएंट ऐसा होगा जो न्यूरो लेवल पे काम करेंगे, जो स्ट्रेस एंजाइटी वाली प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इनडाइजेशन हो रहा है उसको सॉर्ट आउट कर दे रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम ऐसी जो ड्रग इंड्यूस्ड वाली है उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं, और कुछ इंग्रेडिएंट ऐसा होगा जो बाहर में फास्ट फूड इस टाइप के गलत चीज खाया हुआ है उसको टैकल कर रहे हैं, और तीनों मिला के ये इनडाइजेशन की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रहे हैं। तो डॉक्टर को आपको ना बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, सर ये इंग्रेडिएंट है, इसके अंदर ये एक्टिव साल्ट है, और ये जाके ब्रेन के अंदर ऐसे काम करता है बिकॉज ऑफ दैट रीजन, जो स्ट्रेस एंजाइटी की वजह से इनडाइजेशन हो रहा है ये ऐसे ठीक हो जाएगा, ड्रग इंड्यूस्ड वाला ऐसे ठीक हो जाएगा, और फूड वाला ऐसे ठीक हो जाएगा। इस टाइप
स्टेप से आपको मतलब एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यहीं पर फिर दूसरा पॉइंट आ जाता है कि आप जो सारी चीजें बताएंगे ना, ये विजुलेट के अंदर शायद हो सकते सारी चीजें ना लिखी हो, बट फ्रेंड ये आपको वर्बेटम पता होना चाहिए अपनी डिटेलिंग, मतलब ये एक स्टोरी है अपने आप में, अंडरस्टैंड। तो अब अगर आपको ये स्टोरी बतानी बहुत अच्छी तरीके से आती है, देन आप बहुत अच्छी तरीके से डॉक्टर को कन्विंस कर लेके जाएंगे। तीसरा है आपको अपने ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट होना। बहुत सारे न्यूट्रास्यूटिकल ब्रांड के अंदर मैंने मेडिकल रैप्स को क्या देखा हुआ, उनको खुद ही अपने ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता। जैसे कि लो स्पर्म काउंट का है या इनडाइजेशन का ब्रांड बेच रहे हैं, तो खुद ही उनको ट्रस्ट नहीं कहा ये काम करेगा कि नहीं, वो जबरदस्ती ले जाकर बस पेस घुमा रहे, कभी भी ना रिजल्ट आ ही नहीं सकता, सेल आ ही नहीं सकता। जब आपको खुद को अपने ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट नहीं है ना, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड, वो है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज सेकल। ये वहां भी काम आएगा, जनरल में भी, इधर भी। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जब तक आपको नहीं पता होगा, तो आप दूसरे ब्रांड को सुपीरियर, आरसीपी में आपने सर्वे किया पता वो लिख रहा है, तो आपका ब्रांड सुपीरियर कैसे? जैसे कि हम लोग ओजस सिरप बेचते थे चरक के अंदर, अब बहुत सारा एंजाइम प्रिपरेशन डॉक्टर के अंदर मार्केट के अंदर आता है, तो हम लोग उसके ऊपर क्या एडवांटेज बताते थे कि सर जो बॉडी के अंदर एंजाइम सुप्रेस हो गए हैं ना, हमारा सिरप उन्हीं सुप्रेस एंजाइम को फिर से रीएक्टिवेट कर देता है, रीइंफोर्स कर देता है। तो आप क्या कहें, 2-3 महीने 4 महीने इसको पिलाएंगे, उसके बाद फिर दोबारा पिलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि फिर तब तक ये नॉर्मलाइज कर देता है। एंजाइम प्रिपरेशन के साथ सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि जब तक देते रहेंगे तब तक रिलीफ रहेगा, जैसे देना बंद तो वैसे रिलीफ बंद, तो इसलिए जो है ओजस ज्यादा बेटर है। इसके अलावा ओजस जो है स्लीप को भी बहुत अच्छा करता है, ठीक है, जो पॉइजनिंग हो जाती है उसमें भी हेल्प करता, मतलब कई चीजों में हम फिर एडवांटेज यहाँ पे शो कर देते थे, तो मेजर एडवांटेज वही था। तो इस तरह बताते थे बिजनेस आ जाया करता था, तो हमको मालूम था कि एंजाइम प्रिपरेशन ऐसे काम करता है। ऐसे पीसीओडी के अंदर बहुत सारे एडवांटेज हैं जो न्यूट्रोसिप्टल प्रिपरेशन आते हैं मायोनिस्टॉल के कंपेरिजन में, तो आप ये चीजें जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तब तक चीजें नहीं हो पाएगी। इसके अलावा नॉलेजफुल जनरल्स वगैरह, जैसे कि सेक्सुअल डिस्फंक्शन की मैं बात करूं, या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की बात करें, लो स्पर्म काउंट की बात करें, ओबेसिटी की बात करें, इसके ऊपर बहुत ज्यादा ना कंटेंट हम नहीं दे पाते हैं डॉक्टर्स को, राइट, जबकि रियल में इनको बहुत कंटेंट होता है, जरूरत होती है। जैसे सेक्सुअल डिस्फंक्शन ले लें, आपने कभी भी किसी कंपनी को जनरल देते हुए नहीं देखा, आप कभी सेक्सोलॉजी का जनरल देके आप डॉक्टर को देखिए, उसको रियल में नॉलेज है, क्योंकि उसके बारे में नॉलेज जो अपवाहें बहुत ज्यादा है इसके बारे में मार्केट के अंदर, बट रियल नॉलेज नहीं है। आप ये रियल नॉलेज आपको कहां से मिलेगा, एज ए कंपनी आप वर्ल्ड सेक्सोलॉजी सोसाइटी को फेसबुक के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, वहां से बहुत नए नए ट्रेंड आपको पता चल जाएगा, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज हैं जिसको फॉलो करके आप जान सकते हैं। एज ए मेडिकल रैप भी आप चाहो तो फॉलो करके वहां से चीजों को सीख सकते हैं, चीजों को जान सकते हैं, वो सारी चीजें वहां पे आप करिए, बातचीत करिए। इसके अलावा अगर आपका कॉन्सेप्ट मॉलिक्यूल है, इनोवेटिव ब्रांड है, अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, तो थोड़ा सा अगर बजट हो जाए, थोड़ी सेल होने लग जाए और कंपनी बजट अलाउ करे, तो आपको एक CME ऑर्गेनाइज करना चाहिए और वहां पे डिटेल में कंपनी का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर बात करना चाहिए। तब CME बहुत हेल्पफुल होता है अगर हमारे पास कॉन्सेप्ट सेलिंग ब्रांड है तो, राइट, तो वहां पे डॉक्टर के पास फ्री टाइम होता है पूरा सुनने के लिए, तो आप उसके लिए फिलहाल के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये था डॉक्टर को कन्विंस करने का तरीका। अगर जनरल कैटेगरी में है तो जनरल वाला मैंने बताया, कॉन्सेप्ट वाले कैटेगरी में है तो कॉन्सेप्ट, आपका ब्रांड दो कैटेगरी के अंदर 100% फॉल करेगा, राइट, और बाकी मैंने कॉमन चीजें दोनों के अंदर है वो भी है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे सर इन्वेस्टमेंट के अलावा और कोई तरीका नहीं, इन्वेस्टमेंट तभी काम करेगा फ्रेंड जब ये सारी चीजें मैंने बताया इसके अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे, फिर आपका इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज काम करेंगे। अगर सिर्फ आप इन्वेस्टमेंट के दम पे धंधा लाना चाहेंगे ना, इन्वेस्टमेंट करने वालों की कमी मार्केट के अंदर नहीं है, या फिर आप ऐसा थॉट प्रोसेस बना के बैठे हो कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने से धंधा आता है, तो ये गलत थॉट प्रोसेस है, क्योंकि मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाले कंपनियों की कमी नहीं है, लोगों की कमी नहीं है, लोग बहुत सब पैसे का थैला लेके घूम रहे हैं, उसके बाद भी बिजनेस नहीं आ रहा है, अंडरस्टैंड। तो बिजनेस आने के लिए जो मैंने ये बेसिक फंडे बताए, ये चीजें करने के बाद फिर आपके इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज वो सारी काम आएंगी। एंड यस, अगर एक आप फार्मा कंपनी है और अपने फील्ड फोर्स को मैनेज करना चाहते हैं, इसके लिए आपको सेफमेट सॉफ्टवेयर का आप यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर आपको पूरा ऑटोमेशन सिस्टम मिल जाता है, वहां पे जाके बहुत आराम से अपने मेडिकल रैप की रिपोर्टिंग को आप ट्रैक कर सकते हैं, बहुत सारे रिपोर्ट क्रिएट करके मेडिकल रैप को दे सकते हैं, ई डिटेलिंग आप वहां पे दे सकते हैं, वीकली या मंथली आप वहां पे क्विजेज डाल सकते हैं, आप वहां पे सैलरी स्लिप दे सकते हैं, आप वहां पे मेडिकल रैप को बहुत सारे टूल्स एंड
टेक्निक्स दे सकते हैं और यस अब सारी चीजों को एनालाइज कर सकते हैं। एचआर का आपको पूरा पूरा वहां पे मतलब एचआर एडमिन का पूरा आपको वहां पे पैनल मिलता है कंपनी की तरफ से। तो अगर आप एक फार्मा स्टार्टअप है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे दे दूंगा, सेफमेट को जरूर चेकआउट करिएगा। और यहाँ पे आयुष जी हैं जिनके साथ आप कनेक्ट होकर और भी ज्यादा इनडेप्थ डिटेल ले सकते हैं, प्लस सेफमेट सॉफ्टवेयर का पूरा डेमो लेके देख सकते हैं फ्रेंड, राइट। और इसके अंदर जियो टैगिंग और बाकी सारे फीचर्स भी, एडवांस फीचर जो होते हैं वो सारी चीजें भी सेगमेंट के अंदर अवेलेबल है। तो अगर आप एक फार्मा कंपनी है तो सेगमेंट को जरूर आप चेकआउट करिए, जिससे आप अपनी वर्किंग के अपने फील्ड फोर्स वर्किंग को आप बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, ऑटोमेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, ठीक है। अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, एंड किस टॉपिक पे और वीडियो को चाहते हैं आप मुझे शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलता रहे। एंड यस, मेरे साथ अगर कंसल्टेशन बुक करके बात करना चाहते हैं, एक फार्मा कंपनी है, मेरा जूम कंसल्टेशन नंबर यहाँ पे आ रहा है, आप इस पे पैसे पे करके, इस साल का जो फी है वो 699 रुपीज़ है, नेक्स्ट ईयर बदल जाएगा, 699 रुपीज़ पे करके स्क्रीनशॉट शेयर करके मेरे साथ आप चाहो तो बात कर सकते हैं। तो क्या आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, मिलते हैं ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम, बाय।